जी तो तेरे बिन फैन से क्या हो रहा है? लगता तो कुछ ऐसे है कि तेरे बिन के मेकर्स फैंस का दम निकाल कर ही दम लेंगे। तेरे बिन की स्टोरी तो बस एक रोलर कोस्टर बनकर रह गई है, जहां हर न्यू एपिसोड में एक नया अप एंड डाउन और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कभी तो ऐसे लगता है कि कोई भी ताकत मीरसम को जुदा नहीं कर सकती, और साथ ही कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि लगता है कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है? जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि मुर्तसिम मीरब से मिलने शहर जाता है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो मुर्तसिम को खुद ख्याल आया है कि उसने मीरब से ज्यादती की है और उससे मिलने गया है, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे प्रोमो में दिखाया गया है कि मरियम माँ बेगम के पास जाती है और कहेगी, मीरब बेकसूर है माँ, अभी तो अपनाना शुरू किया था मुर्तसिम भाई को, माँ मोहब्बत करना शुरू किया था। माँ बेटी की ये सारी बातें मुर्तसिम सुन लेगा। मुर्तसिम जो कि पहले ही अपने किए पर पशेमान हो रहा था, फैसला करेगा कि वो शहर जाकर मीरब से मिलेगा। दूसरी तरफ मीरब ने भी तहैया कर रखा है कि वो ढिटाई का गोल्ड मेडल जीत कर ही दम लेगी। उसने वो सब कुछ करना है जो कि मुर्तसिम को एक आंख नहीं भाता। मीरब की दोस्त को जब पता लगेगा कि मीरब शहर आई हुई है, तो वो रोहेल को लेकर मीरब से मिलने उसके घर पहुंच जाएगी। उसकी दोस्त उसे मनाएगी कि कहीं बाहर चलते हैं। जब वो घर से बाहर निकलेगी तो बाहर रोहेल खड़ा होगा, और रोहेल उसे देखकर कहेगा, अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत सी बातें करनी है तुमसे, चलो कहीं बैठ कर बातें करें। जब मीरब रोहेल की गाड़ी में बैठकर जाने लगेगी, तो इतने में ही वहाँ पर मुर्तसिम पहुँच जाएगा और वो उसे रोहेल के साथ जाता हुआ देख लेगा। मीरब को रोहेल के साथ इस तरह से जाता हुआ देखकर मुर्तसिम को यकीन हो जाता है कि मीरब ने ना तो उसे कभी अपनाया था और ना ही उसे कभी अपनाएगी। उसे मरियम की कही हुई सारी बातें झूठ लगने लगती है। ये मीरसम फैंस के लिए बहुत तकलीफ देह है। वो तो दुआएं कर रहे हैं कि मीरब और मुर्तसिम जल्द अज जल्द एक हो जाएं, लेकिन मीरब ने भी ठान ली है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। भला कोई मीरब से पूछे कि तुम्हें रोहेल से मिलने की क्या जरूरत है? रोहेल मुर्तसिम को एक आंख नहीं भाता। पहले भी रोहेल की वजह से इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मीरब अच्छी तरह से जानती है कि रोहेल की क्या इंटेंशन है। रोहेल के लिए मीरब एक फ्रेंड ही नहीं, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ के कुछ और है। भला मुर्तसिम की गैरत कहाँ गवारा करेगी कि उसकी बीवी रोहेल से मिले। वो उनका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक पहुँच जाएगा। रोहेल को सब पता लग जाएगा कि मीरब शहर क्यों आई है। वो इस मौके का फायदा उठाएगा और मीरब से कहेगा, तुम मुझसे तलाक ले लो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। एन मौके पर मुर्तसिम पहुंच जाएगा और वो ये सारी बातें सुन लेगा। ये सब सुनकर तो मुर्तसिम का दिल टूटकर चिकना चूर हो जाएगा। वो मीरब से उसके घर पे मिलेगा और उसे कहेगा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन गई लगने लगा था, दूरियां खत्म हो रही हैं ये भी लगने लगा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जवाबन मीरब उसे कहेगी, मुझे बोलने का मौका तो दो प्लीज। लेकिन मुर्तसिम उसे कहेगा, प्लीज कुछ मत कहो मीरब, सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान खत्म होती होती दूरियां एक दफा और फिर से बढ़ने लगी हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मुर्तसिम ये सब कुछ देखने के बाद जब दोबारा हवेली वापिस आएगा, माँ बेगम मुर्तसिम से कहेंगी, मीरब को घर ले आओ। मुर्तसिम आगे से जवाब देगा, उसे नहीं लाऊंगा। तो माँ बेगम कहेंगी, तुम ही छोड़ कर आए हो, तुम्हें ही लाना होगा। तो आगे से मुर्तसिम फिर से जवाब देगा, बस छोड़ दिया, अब आप भी उसकी फिक्र करना छोड़ दें। इस मौके पे मरियम मैदान में उतरेगी और मीरब की वकालत करेगी, और माँ बेगम से कहेगी, अभी तो मीरब ने मुर्तसिम भाई से मोहब्बत करना शुरू की थी। ऐसे लग रहा है कि मीरब और मुर्तसिम की जोड़ी को किसी की नजर लग गई है, या फिर हया का जादू टोना काम आ गया है। मीरसम फैंस की तो बस एक ही दुआ है कि ये दोनों जल्द अज जल्द एक हो जाए। देखते हैं कि ये दुआ कब पूरी होती है। आपको क्या लगता है कि ये कभी एक हो भी पाएंगे, या इनके दरमियान दूरियां इसी तरह बढ़ती चली जाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।